जावास्क्रिप्ट क्या है समझाइए। वैसे तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रैक्टिकल करके समझने की है, प्रैक्टिकल भी करके दिखलाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना है DCA PGDCA सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें कौन सा सब्जेक्ट है, इंटरनेट। तो ये DCA और PGDCA दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है इंटरनेट, जिसमें इस प्रकार का सिलेबस में दिया गया है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो प्रश्न ये आता है जावास्क्रिप्ट क्या है, इसको दो तरीके से पढ़ना है, जिसमें कि आपका पहला तरीका हो गया कि ये हमारे सिलेबस में एग्ज़ाम में आएगा तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, और दूसरा ये हो गया कि इन चीज़ों की ज़रूरत वेब डिज़ाइनिंग में पड़ेगी, वेब डेवलपमेंट में पड़ेगी, जब आप अगर आगे चल के वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो, आगे चल के कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपकी खुद की कोई वेबसाइट हो जिसमें आप कोई बिजनेस करो, या किसी के अंडर में आप जाकर के कंपनी में वेबसाइट डेवलपर की तरह काम करो, तो उस पर्पस से ज़्यादा समझना है। उस पर्पस से यदि आप इसको 70% समझोगे और 40% बस एग्ज़ाम निकालने के उद्देश्य से, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ आजकल यही सारी चीज़ें चल रही हैं, और अपन केवल उसको अपने प्रश्न उत्तर के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो समझ में तो ठीक है आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन कर नहीं पाओगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो क्वेश्चन क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट का विकास मतलब कब बनी ये बनाया, नेटस्केप कम्युनिकेशन नामक कंपनी के ब्रैडन ईच द्वारा किया गया। इसे पहली बार 1995 में नेटस्केप नेविगेटर 2.0 नामक ब्राउज़र प्रोग्राम के साथ जारी किया गया। थ्योरी इसलिए लगाई है, आंसर में क्या लिखना है वो भी एक बार हमको पता चलते जाए, कि यदि प्रश्न आया जावास्क्रिप्ट क्या है तो हमने ऐसी प्रैक्टिकल बतला देंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि हमको एग्ज़ाम में क्या लिखना होगा, इसलिए उसकी थ्योरी भी यहाँ पर लगाई हुई है। और प्रारंभ में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा, लेकिन जावा नाम की लोकप्रियता के कारण इसका नाम बदल कर कर जावा स्क्रिप्ट रखा गया। ये देखो ब्रेडन ईच की भी हमने फोटो लगा दी कि हाँ ये सब चीज़ें कोई इंसान ही बनाता है, आप लोगों की भी लगे कि हम भी कुछ नई चीज़ जो है वो इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद ये किस प्रकार का एक ब्राउज़र में चलता था, नेटस्केप नेविगेटर, जैसे अभी कैसे ब्राउज़र चलाते हैं हम, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, है ना, मोबाइल में भी हमारे ब्राउज़र है, वैसे ही इस प्रकार के ब्राउज़र में जो ये जावास्क्रिप्ट है वो चलती थी। उसके बाद देखो ये पुराना ब्राउज़र इस प्रकार से दिखाई देता था, जिसमें ये बैक बटन दी हुई है, होम बटन, एडिट बटन। उसके बाद इसी ब्राउज़र का और एडवांस रूप या जिसमें वेब पेज हम देख पा रहे हैं। तो ये किसके लिए बनाया गया था, ये नेटस्केप नेविगेटर नामक वेब ब्राउज़र के साथ बनाया गया था, इसके लिए बनाया गया था। ब्राउज़र क्या है, इसलिए पिक्चर यहाँ पर लगाई हुई है। ब्राउज़र आपको मालूम है जिसमें किसको रन किया जाता है, HTML को, तो HTML को ही और उसमें उसको कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए वेब पेजेस को इसमें किसकी ज़रूरत पड़ी, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी। आगे इसके बारे में और देखेंगे, जावास्क्रिप्ट का लोगो भी यहाँ लगा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का इस प्रकार से लोगो है, कभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे तो इसका लोगो आप यहाँ देख पा रहे हो। नेक्स्ट है, जावा सन माइक्रो सिस्टम नामक कंपनी द्वारा सभी प्लेटफॉर्म पर चलने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के रूप में विकसित की गई। अभी हम आपको ये भी बतलाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। इसने शीघ्र ही मान्यता प्राप्त कर ली, इसे लाइव स्क्रिप्ट का नाम बदलकर जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। पहले इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट आ गया। इसमें कुछ इस प्रकार से कोडिंग की जाती है, जैसे HTML में कोडिंग की जाती है वैसे इसमें भी कोडिंग की जाती है। आप यहाँ पर कोड देख सकते हो, HTML के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिखा जाता है। उसके बाद आप देखो इसका जो आउटपुट है वो इस प्रकार से आएगा, ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है, जैसे HTML में हम बनाते थे उसी प्रकार से कोडिंग भी इसमें की जाती है। आगे चल के कोडिंग भी पढ़ना है, लेकिन शुरुआत में ही थोड़ा सा बतला देते हैं कि ये किस प्रकार से इसमें कोडिंग होती है। इसमें एक वर्ड आया है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब किस में बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावास्क्रिप्ट जब आई थी तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेस्ड थी। तो ये क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग करने की एक मेथोलॉजी है या प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको फॉलो करता है, किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कई लोग पढ़ेंगे आगे चल के, हो सकता है कंप्यूटर में ही आगे प्रोग्राम वगैरह में जाएं, वो प्रोग्राम डेवलपमेंट में, तो C++ पढ़ेंगे, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में जाना है
तो उसमें भी किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, जावा का। तो वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उसको इस पिक्चर से समझेंगे थोड़ा सा। जैसे भी आप यहाँ पर देखिए, एक कार है, तो इस कार में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। जो प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो तीन चीज़ों पर बेस्ड होती है, प्रॉपर्टीज, मेथड और इवेंट्स। इन तीन चीज़ों में बेस्ड होती है प्रोग्रामिंग। तो उसको ये उदाहरण के द्वारा हमने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसका मॉडल, इसका कलर, इसका ईयर, इसका प्राइस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका गुण, इसका कलर, इसका अपीयरेंस, ये कैसा दिख रहा है, इसकी साइज, ये सब क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी। मेथड क्या कहलाएगी, इस कार को स्टार्ट करना, मेथड, एक्शन जो वो ऑब्जेक्ट ले रहा है वो क्या कहलाएगी, मेथड कहलाएगी। जैसे स्टार्ट करना, ड्राइव करना, पार्क करना, वो उसकी क्या हो गई, एक्शन, उस ऑब्जेक्ट का एक्शन लेना, तो वो क्या कहलाएगी, मेथड। इवेंट क्या कहलाएगी, इस ऑब्जेक्ट के लिए इवेंट क्या कहलाएगा, जब कार स्टार्ट होती है, जब कार पार्क्ड होती है, जब कार में ब्रेक लगता है, तो वो क्या हुई, इसके लिए एक इवेंट हुई। तो आगे चल के जावा स्क्रिप्ट में भी इवेंट पढ़ोगे आप, तो उसके लिए आपको क्लियर हो जाए कि ये इवेंट होती क्या है। तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें बस यही छोटी सी पिक्चर के द्वारा जो मैंने समझाया, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पूरी अपने आप में एक थ्योरी है, पूरी एक थ्योरी है जिसमें इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। और जब आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, या कुछ लोग PGDCA में ASP.NET भी पढ़ते हैं, तो उसमें इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रोग्रामिंग मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कई जगह सुनोगे कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसको मैंने शॉर्टकट ये पिक्चर ढूंढ करके रखी थी, इसमें बतलाया। नेक्स्ट चलते हैं, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। स्क्रिप्टिंग मतलब इस प्रकार से देखो, छोटे छोटे इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। यह एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जो सीखने और प्रयोग करने में सरल है, और जिसका प्रयोग छोटे छोटे रूटीन या उपयोगों को लिखने में किया जाता है। छोटे छोटे प्रोग्रामों को ही स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये भी वर्ड बहुत सुनने के लिए आएगा आपको कंप्यूटर में, है ना, क्या है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब हो गया छोटे छोटे प्रोग्राम, और ये जावा से बनी हुई थी इसलिए इसका नाम दे दिया जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब छोटे प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसको जावा स्क्रिप्ट कहा जाने लगा। जावा स्क्रिप्ट का विकास वेब पेजों में वार्तालाप इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। कैसा इंटरेक्टिव, आपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा ऐसे करके इमेज चल रही है, ऐड चल रहे हैं, कुछ ऐसा एनिमेशन सा आ रहा है, जैसे एक पिक्चर लगी हुई है वेब पेज की, इस पर क्लिक करते हैं स्लाइडर में तो इमेज चलेगी, या इमेज पॉपअप होगी, या कहीं स्लाइडर में नीचे इमेज चलेगी, तो इन सब के लिए जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से आप देखो, एक वेबसाइट का हमने होम पेज का भी लगाया हुआ है, इसमें होम बटन लगी हुई है, प्रोडक्ट, सैंपल, डाउनलोड्स, इसकी आप डिज़ाइन देखो कितनी बढ़िया डिज़ाइन दिख रही है इस वेब पेज में। अगर इस प्रकार की बटन आप लगाते हो, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो मेन्यू खुल जाता है, ये जो मेन्यू खुलता है, इसमें सैंपल में क्लिक करेंगे इसका भी मेन्यू खुलेगा, डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो इसका भी मेन्यू खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे इसका भी मेन्यू खुलेगा। तो ये जो मेन्यू खुल रहा है, क्या इस प्रकार से HTML में बनाया जा सकता है? नहीं, HTML तो सिंपल, अपन ने उसमें टेक्स्ट वगैरह देना और उसकी डिज़ाइनिंग वर्क सीखा था, लेकिन कुछ ऐसा एनिमेशन सा बनाना है यदि आपको, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये तो समझ में आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको ऐसा बनाया, नहीं तो डायरेक्ट प्रोग्राम में आ जाते। आखिरी में प्रश्न उठता है कि ये सब तो ठीक है, प्रोग्राम भी बना रहे, लेकिन जावास्क्रिप्ट करें क्या, ये तो कोड ही कोड आप दिखा रहे, उसी को समझा दिए, इसमें हम कि हमको ज़रूरत कहाँ पड़नी इसकी। लेकिन जब आपने ये देख लिया, तब आपको लगा कि हाँ, अगर इसमें प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से तो मेन्यू लगाओगे, है ना। और देखो कितनी बढ़िया चीज़ है कि वेब पेज में इमेज वगैरह लगाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में इमेज स्लाइडर लगा सकते हो। तो ये सब जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करके बनता है वेब पेज में, ठीक है। वर्ड में तो हम सिंपल इमेज लगा लेते हैं, लेकिन वेब पेज में तो कोडिंग करनी पड़ती है। जहाँ आप वेब डेवलपमेंट में आए, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आए, तो वो सॉफ्टवेयर इमेज बस रखने से नहीं बनता, उसके पीछे क्या होती है, पूरी कोडिंग होती है।
नेक्स्ट है, इस जावास्क्रिप्ट तीन रूपों में मिलता है, तीन भाग में जावास्क्रिप्ट आता है। पहला है कोर जावा स्क्रिप्ट, ये क्या है? मौलिक जावा स्क्रिप्ट भाग है। इसमें ऑपरेटर, कंट्रोल संरचनाएं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, बिल्ट इन फंक्शन तथा ऑब्जेक्ट शामिल है, जिनसे मिलकर जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा बनती है। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें ग्रामर होगी, ठीक है, उसके आधार पर हम इंग्लिश बोल पाएंगे। हिंदी है, हिंदी में भी उसकी व्याकरण होती है। कोई भी लैंग्वेज है, वैसे कंप्यूटर में भी एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है, जिससे कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसको क्या करता है, समझता है। तो कंप्यूटर की इस भाषा में भी व्याकरण होती है, कंप्यूटर की इस भाषा में भी व्याकरण, आप उसको इस शब्द से नहीं बोल सकते कि व्याकरण होती है। तो उसमें क्या क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर, बिल्ट इन फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, ऑपरेटर, वेरिएबल, डेटा टाइप, जिसको कि समझ करके फिर हम आगे उसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? कोर जावा स्क्रिप्ट कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरी आती है क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट क्या कहलाती है? कोर जावा स्क्रिप्ट का एक विस्तार है, जो किसी ब्राउज़र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। यह जावा स्क्रिप्ट का सबसे लोकप्रिय रूप है, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। आप अपने मोबाइल में कोई वेबसाइट चला रहे हो और अगर आपने वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई गलत डेटा एंट्री की, तो वो जो आपको बतला देता है कि आपने मोबाइल नंबर जो है आप केवल 10 डिजिट का डाल सकते हो वेबसाइट में, जो सामने निर्देश आने लगते बाजू में, तो वो कोई सर्वर में जाकर के सूचना एग्जीक्यूट नहीं होती, वो चेक कहाँ कर लेता है? आपके ब्राउज़र में ही उस कोड को रन कर लेता है। तो जो कोड आपके ब्राउज़र में ही रन हो रहा है, उसको कौन सी जावास्क्रिप्ट बोलेंगे? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट होती है, ये भी कोर जावास्क्रिप्ट का एक विस्तार है, जो डेटाबेस के उपयोग के लिए तैयार किया गया है, कहीं अधिक जटिल है और सभी ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। आजकल लगभग सभी ब्राउज़र क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए और भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हैं, तो ज़्यादातर कौन सी पॉपुलर है? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट पॉपुलर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इस पिक्चर में जावास्क्रिप्ट को जो है किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा और ये क्या होती है जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर देखो तीन भाग में दी गई है जावा स्क्रिप्ट, जिसको अभी हमने बतलाया था आपको। क्या है? पहली है ये सर्वर साइड, यहाँ पर क्या है? ये क्लाइंट साइड, ठीक है। ये क्या है? ये आपका पीसी है या मोबाइल है, ये आपका क्या है? ये पीसी है या मोबाइल है। इसमें लिखा हुआ है क्लाइंट साइड एडिशन सच एज विंडो एंड हिस्ट्री। तो ये जो इस विंडो में चलेगी, जो आपके मोबाइल में चलेगी, जो ब्राउज़र में चलेगी, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो है यहाँ पर यूज़र जो चला रहा है या जो यहाँ रन होगी, यूज़र नहीं चलाएगा, यूज़र तो वेबसाइट में इंटरेक्ट करेगा, लेकिन उसको जो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो भी आउटपुट में, वो कौन सी जावास्क्रिप्ट वहाँ पर रन हो रही है? क्लाइंट साइड। उसके बाद कोर जावास्क्रिप्ट क्या कहलाती है? कोर लैंग्वेज फीचर्स एस वेरिएबल फंक्शन लाइव कनेक्ट। कोर जावास्क्रिप्ट में पूरी प्रोग्रामिंग होती है, वो कहलाती है कोर जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है, वो सर्वर में चलती है। सर्वर साइड एडिशन सच एज सर्वर एंड डेटाबेस, जो सर्वर में चलती है, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा भी था वेब टेक्नोलॉजी में, कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, सर्वर में सूचनाओं को रखा जाता है HTML के फॉर्म में, और जावास्क्रिप्ट में भी जो है सूचनाओं को रखा जाता है। तो सर्वर में जो चलती है लैंग्वेज, वो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहलाती है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के बारे में जो थ्योरी थी, उसी की इमेज है। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का सिंटेक्स। तो इसके पहले एक बार और बतला देते हैं, जावास्क्रिप्ट अभी तो थ्योरी में समझ लिया हमने, इसको हम बतला देते हैं कि जावास्क्रिप्ट आपका किस प्रकार से किसी वेबसाइट में इस्तेमाल होती है, जावास्क्रिप्ट कैसे किसी वेबसाइट में इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए देखिए, ये MP ऑनलाइन की वेबसाइट जो है हमने ओपन की हुई है, तो यहाँ पर इसके बारे में, वैसे भी MP ऑनलाइन क्या है? एक वेबसाइट है MP ऑनलाइन, ये मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है, जहाँ पर कि वो जो भी नागरिक सेवाएं हैं उनको यहाँ पर वेबसाइट बना करके इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ से सभी नागरिक अपनी उसकी सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए कहीं भी कियोस्क सेंटर में जाते हैं, MP ऑनलाइन सेंटर में जाते हैं और इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की जा रही है, पहले तो बतलाते हैं। ये वेबसाइट बनी हुई ASP.NET में, और इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है, इसमें भी HTML का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप लोग HTML में कोडिंग की है ना आपने, HTML में, तो क्या बनाते हो आप HTML में? इस तरीके से इमेज लगा सकते हो लोगों के लिए, इस तरीके से आप
टेक्स्ट लगा सकते हो, ये जो टेक्स्ट लगा हुआ है वो सब वेब पेज बनाने में HTML का ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट देखिए, जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, ये देखो स्लाइडर जैसे ये ओपन हो जा रहा है, जो भी अपडेट आ रहे हैं MP ऑनलाइन में, तो ये नॉर्मल केबल HTML के द्वारा नहीं बनाया जा पाएगा, इसके लिए जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की गई है। यहाँ पर देखो जो इमेज चेंज हो रही है स्लाइडर में, ये इमेज चेंज हो रही है, तो इमेज लगी हुई है, हमने इमेज लगाई है, लेकिन ये इसके लिए क्या कोड लिखा गया है, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा गया है। इसी प्रकार से और नीचे आओ आप, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो स्लाइडर चल रहा है, तो हम इमेज भी लगा सकते हैं, हाइपर लिंक भी बना सकते हैं कि यदि हमने इसमें क्लिक किया तो हमको दूसरा पेज ओपन मिल जाएगा, वो हाइपरलिंक से हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से ये देखो स्लाइडर चल रहा है, तो ये भी किसके द्वारा चल रहा है, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। यहाँ पर इसी प्रकार से जो भी चीज़ें चल रही हैं एनिमेशन फॉर्म में आपको दिखलाई दे रही हैं, देखिए सब में कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है। फिर ये मेन्यू बनाया गया है, मेन्यू बनाया गया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इस वेबसाइट में भी जावास्क्रिप्ट से ही मेन्यू बनाया गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप बस करना है, आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वेबसाइट में क्या होता है कि उसमें कोड इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बना बनाया कोड आपने इस्तेमाल किया थर्ड पार्टी का, तो इतना ज़्यादा उसमें जो है उसका वो हैवी हो जाता है कि वेबसाइट स्लो हो जाती है। और अगर जावास्क्रिप्ट में लिख करके ये सब एनिमेशन बनाते हो और ये सब मेन्यू बनाते हो, तो उससे जावास्क्रिप्ट के कारण क्या, उसमें स्क्रिप्टिंग है, प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो वो वेबसाइट जो है क्या चलती है, फास्ट चलती है। तो फास्ट चलेगी तो यूज़र भी उसमें आराम से जल्दी जल्दी आएंगे और उसको अच्छा लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट तेज़ चल रही, तो और बाद में भी यूज़र्स आएंगे, तो ये दोनों में अंतर है। इसलिए बिल्कुल आप अगर प्रोग्रामिंग में जा करके ही किसी वेबसाइट को बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, प्रोग्रामिंग सीखना ज़्यादा अच्छा है आगे चल के। तो ये क्या हो गया आपके लिए, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके लिए बतला रहे हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आपने बहुत जगह देखा होगा कुछ फॉर्म वगैरह ओपन होते हैं, फॉर्म वगैरह ओपन करने में क्या होता है, कई बार यहीं पर मैसेज आ जाता है आपको बहुत सारी चीज़ों का, जैसे हमने देखिए इसमें ओपन किया और हम यहाँ पर किसी चीज़ को मान लीजिए अप्लाई करने के लिए, डिग्री डिप्लोमा अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर ये देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ हमने एंटर किया और एंटर करने के बाद ये देखिए डेटा नॉट अवेलेबल, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो उसकी जानकारी आपको यहीं पर दिखला देता है, रेड से बॉक्स में बाजू में लिख करके, रेड से बॉक्स में लिख करके वो यहीं बतला देता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि ये हमने इसमें क्लिक किया और ये अलर्ट बॉक्स आ गया, और ये भी किसके द्वारा आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही आ रहा है, डेटा नॉट अवेलेबल। इस सूचना को सर्वर तक जाकर के और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बहुत सी जानकारी वहीं चेक हो जाती है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल वैलिडेशन के लिए भी किया जाता है, ये वैलिडेशन ही कहलाया, वैलिडेशन मतलब जो जानकारी इनपुट की जा रही है यूज़र को उसको क्या करना, चेक करना, जो जानकारी यूज़र इनपुट कर रहा है फॉर्म में उसको चेक करना, वो कहलाता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है।